कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। 6 तारीख को आपका वोट होगा, 10 तारीख को यहां से विजय मिशन निकलेगा और 11 तारीख को सुनो, 11 तारीख को ग्रेटर पीपरा लैंड का मूवमेंट। बस, और जो लोग कंफ्यूज हैं, जो लोग को लगता है कि लास्ट मोमेंट में हम लोग ग्रेटर तिपरालैंड का आइडियोलॉजी को डाइल्यूट करके अलायंस कर देंगे, मैं आपको यहां से क्लियरली बोलना चाहता हूं, देयर बी नो डाइल्यूशन एंड देयर बी नो अलायंस। ग्रेटर तिपरालैंड करेगा, मैं जिंदा हूं तो मैं ग्रेटर तिपरालैंड करूंगा। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन ग्रेटर तिपरालैंड, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन तिपरालैंड, और कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, हमको कॉम्प्रोमाइज। अगर आज तिपरा मोथा, अगर आज बोबाग्रा ने दोफा को किसान कॉम्प्रोमाइज किया तो आप लोग का दिल टूट जाएगा, आप लोग खत्म हो जाएगा। और इसके लिए बोबाग्रा आपको यहां मुंगिया कामी से बोल रहा है, हम लोग ग्रेटर तिपरा लैंड में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। बहुत लोग बोलता है अपनी मुख्यमंत्री है जान, एमपी मंत्री, आपको बोबाग्रा एक बात बोलना चाहता है, हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, नहीं बनना है मंत्री, होम मिनिस्टर, पीडब्ल्यू नहीं बनना है, हमको सिर्फ अपना तिपरासा के लिए ग्रेटर तिपरा लैंड चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हम बोल रहे हैं 17 महीना बाकी है, सिर्फ 17 महीना, 18 महीना बाकी है, 18 महीना थमसा रखो, ग्रेटर तिपरा लैंड हम लोग लेके रहेगा। और बोबाग्रा आपको यहां से मुंगिया कामी का हाथ से बोल रहा है, बोबाग्रा को मुख्यमंत्री नहीं, रंग नहीं, पद नहीं, लाल बत्ती नहीं, अपना तिपरासा के लिए अपना कम संवैधानिक हक, हमको अपना अधिकार चाहिए। एक लास्ट टाइम, एक आखिरी बार 2023 में ये फाइट करना है कि नहीं करना है, तो रेडी हो जाओ। बोबाग्रा तिपरा मोथा इज नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन ग्रेटर तिपरा लैंड, सब मिलके एक लास्ट फाइट तो हम लोग करेगा, वन लास्ट फाइट, एक टाइम, एक बार लास्ट टाइम हम लोग फाइट करेगा, मरेगा तो मरेगा लेकिन फाइट करेगा। ये लोग आपका वोट लेकर पद में बैठता है, ये लोग आपका वोट लेकर हमको बेवकूफ बनाता है, जब पद मिला, जब सत्ता मिला तो तिपरा था, तिपरा जग को उन्होंने छोड़ दिया, ये क्या सरकार है। और त्रिपुरा में, अपना तिपरा में जो तिपरा लैंड बोलता है, जो तिपरा सा बोलता है, तिपरा जग बोलता है, जब मौका आया दिखाने के लिए कि हम लोग तिपरा सा है तो चुप। हमारा एमएलए लोग, जो कोई मंत्री है, कोई एमएलए है, वो तिपरासा समाज को भूल गया। आज रंग के लिए, पद के लिए आपने अपना समाज को, यहां में कोई नहीं है।